आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल. कैन यू गाइज प्लीज प्लीज क्विकली कन्फर्म दिस, एक बार फटाफट कन्फर्म कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन क्विकली. सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट एन एनरिचिंग इंपॉर्टेंट सेशन इन द सेंस दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक एवरीबडी नोज दैट पार्ट थ्री इज अपेरेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि हाउ इज पार्ट थ्री, यू कुड से हाउ टू रिमेंबर द आर्टिकल्स. बिकॉज जनरली अगर हम बात करते हैं ना, वेन एवर वी जनरली टॉक अबाउट द पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लॉ की बात करते हैं, तो आपने एजुकेटर से जनरली सुना होगा कि डू नॉट हैव टू रिमेंबर द सेक्शंस और द आर्टिकल्स, है ना? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. बट एक पार्ट थ्री एक ऐसा यू कुड से यू कुड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट ऑफ लॉ है जहां पर हमको आर्टिकल्स भी याद करने इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना? वेर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द आर्टिकल्स एज वेल. सो दैट इज वाई इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी क्विक टेक्निक एज टू हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ टू रिमेंबर द आर्टिकल्स एज वेल. ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस सेशन में. सो आई विल नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स और मे बी हाफ एन आवर एट मैक्स. एट इतने टाइम में हम फटाफट सारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री कौन से होते हैं उनको ब्रीफ में कर लेंगे. ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट ब्रीफ में आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कहाँ चीज क्या चीज आती है एंड हाउ टू रिमेंबर इट इफेक्टिवली ऑल्सो, राइट? सो एक बार वेट कर लेते हैं फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट फॉर एवरी बडी टू ज्वाइन एंड देन वील स्टार्ट विद दिस, राइट? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हियर. गुड टू सी यू ऑल हियर. सो दिस इज द न्यू चैनल दैट यू आर ऑन अकेडमी लीगल वर्ल्ड. इफ यू ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब इट, आप कर सकते हो. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, इस पर कुछ हम इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेशंस कर लेंगे आपके लिए. ठीक है, चलो देन आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस नाउ. ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं. हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल्स इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली. सो पार्ट थ्री आई थिंक एवरीबडी नोज इट टॉक्स अबाउट द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वॉट इज दैट एसेंशियल फीचर? इट इज द फंडामेंटल राइट्स. सो पार्ट थ्री गोज फ्रॉम आर्टिकल 12 टिल आर्टिकल 35. ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये जाता है एंड इट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है, राइट? नाउ अनदर स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट दीज राइट्स इज दैट दे आर अवेलेबल टू ऑल द इंडियन सिटीजन. तो ऑल द 6 राइट्स आर एटलीस्ट अवेलेबल टू ऑल द इंडियन सिटीजन. तो क्या होता है, व्हाई आर वी गिवन फंडामेंटल राइट्स एट ऑल, इज दैट ऑब्वियसली वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? हम लोग वोट करते हैं, तो वी इलेक्ट MLAs एंड MPs टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू द पार्लियामेंट रेस्पेक्टिवली. बट देर कुड बी अ सिचुएशन वेर इन दीज रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट फॉर आर सेल्स स्टार्ट वायोलेटिंग आर राइट्स. सो फंडामेंटल राइट्स काइंड ऑफ मेक श्योर कि जो भी स्टेट अथॉरिटीज है या फिर जो यू कुड से स्टेट ऑफिशियल्स हैं, वो आर बेसिकली द MPs और द MLAs, दे डू नॉट वायलेट ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स. सो व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनएक्टेड और इन्फोर्स इन 1950, वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स एट दैट टाइम. हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे उस टाइम पर. हाउएवर एज द टाइम पास्ड 1978 में वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इट वॉज रिमूव्ड. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और उसको कहां पर डाल दिया, सॉरी, इट वॉज पुट अंडर आर्टिकल 300A, राइट? तो इट वॉज इट नो मोर रिमेन्ड अ फंडामेंटल राइट, इट बिकेम अ मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो ये हुआ था 44th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हमारे पास इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट प्रेजेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो आज मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स, टिप्स और थोड़े तरीके बताऊंगा एज टू हाउ टू रिमेंबर दीज आर्टिकल्स, क्योंकि 14 से लेके 32 तक पर्टिकुलरली सबको आर्टिकल्स आने चाहिए. नाउ हाउ टू गो अबाउट इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक और बहुत स्ट्राइकिंग फीचर बताता हूँ. पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज. आप किसी प्राइवेट कंपनी पर जाके फंडामेंटल राइट्स का केस नहीं कर सकते हो, ठीक है? दे आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज. कि मतलब कोई गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी है लाइक ONGC, IOC, है ना, कोई ऐसा गवर्नमेंट का NGO है, गवर्नमेंट की स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं,
तो कोई भी स्टेट अथॉरिटीज होती है ना उनके अगेंस्ट ये चलता है। तो आर्टिकल 12 में दे रखा है स्टेट का डेफिनेशन, जो हम अभी नहीं करेंगे, आज के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स किया है अभी रिसेंटली, उसमें मैंने डिस्कस किया था प्रॉपरली कि कौन से टेस्ट आए हैं ना, जब ने इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट और अदर अलग अलग तरह से हमने उसको डिस्कस किया था। ओके, आर यू गाइज एबल टू फॉलो मी सो फार? कैन वी मूव ऑन टू दी फंडामेंटल राइट प्रॉपरली? ठीक है, तो आर्टिकल 14 to 18 टॉक्स अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इक्वालिटी। अगर आपके पास नोटबुक है तो फटाफट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नोट कर सकते हो, ठीक है? फटाफट अगर आपके पास नोटबुक है, यू कैन क्विकली नोट डाउन दी कॉन्सेप्ट्स। अब मैं यहां पर, पता है इस सेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आई विल आस्क यू दी क्वेश्चंस, है ना, मोस्ट रादर देन मी आंसरिंग दी, यू कुड से क्वेश्चंस और मी टेलिंग यू थिंग्स, सिंस वी हैव स्टडीड दीज थिंग्स ऑलरेडी, आई विल आस्क यू दी क्वेश्चंस, ठीक है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इफ यू रिमेंबर दिस, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इज एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट एंड वन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज अ यूएस वाला कॉन्सेप्ट। विच वन ऑफ दिस इज एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट? यूके का कॉन्सेप्ट कौन सा है इसमें से, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में से, विच वन इज एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट? Anybody guys who had attended the constitutional law course? So it is the equality before law that is the UK concept. It is the equal protection of law that is the US वाला concept, right? Equality before law का मतलब होता है कि everybody is equal in the eyes of law, है ना? Everybody is equal in the eyes of law का क्या मतलब है कि आज चाहे मैं कोर्ट में खड़ा हूं या देश का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में खड़ा है, वो कोर्ट के नजर में इक्वल ही है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट अंधा कानून वाला, वो ब्लाइंड फोल्डेड लेडी हु इज स्टैंडिंग विद दैट तराजू इन देयर हैंड, राइट? तो वो यही बता रहे हैं दैट दैट इज नॉट अंधा कानून एक्चुअली, वो मूवीज में गलत दिखाया है। दैट इज सेइंग कि द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है? एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, उन पर क्रिमिनल केस नहीं हो सकते, बट जनरली एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, दैट इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली। जैसे अगर आप देखोगे, अगर हमारा टैक्स सिस्टम देखें इंडिया का, जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, तो अगर आपकी मान लो इनकम 8 लाख रुपए, तो आप पर कितना मुश्किल से 10 से 15% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आप पर 30% टैक्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स के सिस्टम में ऐसा माना जाता है कि 8 लाख कमाने वाला और 12 लाख कमाने वाला फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन आर नॉट इक्वल। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं कि इक्वल्स शैल बी ट्रीटेड इक्वली। सो एवरीबडी इन द कंट्री इज अर्निंग 8 लाख रुपीज को 10 से 15% टैक्स करेंगे, एवरीबडी इज अर्निंग 12 लाख विल बी टैक्स एट 30%। तो यहां पर क्या है कि हर आदमी इक्वल नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो इंडिया में हो रहा है, या फिर जो अलग अलग क्वालिटी ऑफ, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल पर अलग अलग लॉ लग रहे हैं, दे आर केप्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट? सो दैट इज वॉट दीज कॉन्सेप्ट वुड मीन। तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट मेजरली टू कॉन्सेप्ट, एवरीबडी शुड हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बाकी के जो इसके चार आर्टिकल है, 15, 16, 17, 18, इसको दो के ग्रुप्स में पढ़ेंगे, ठीक है? 15 और 16 को फटाफट एक साथ पढ़ते। इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट बेसिकली सेज नो टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो पहला बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, एनी पब्लिक गार्डन, एनी पब्लिक वेल, टैंक, नो बडी कैन बी, यू कुड से, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, देयर कास्ट, देयर एथनिसिटी, और इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? आपके कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पर आपको वहां पर कुछ भी पब्लिक वेल यूज करने से, पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने से हटाया नहीं जा सकता। आपने कभी भी किसी भी पब्लिक पार्क में देखा है कि ओनली हिंदूज अलाउड, ओनली मुस्लिम्स अलाउड, ऐसा कभी भी नहीं होता ना? वाई? बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एवरीबडी हैज इक्वल एक्सेस टू इट, राइट? अगेन
16 भी इसकी बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की, बट इट टॉक्स डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी की वेल्थ देखकर या फिर किसी का और कुछ फीचर देखकर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एवरीबडी इज गिवन इक्वल राइट्स। बट यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने और यू कुड से कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ठीक है। तो देव डन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मत जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं रिजर्वेशन। तो कुछ डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज है हमारे पास, है ना, दे कुड बी दी ST कम्युनिटी, दी SC कम्युनिटी। वुमेन जो है वो इंडिया में हिस्टोरिकली हैव बीन डाउन ट्रॉडन, बच्चों के लिए। तो देर आर सर्टन यू कुड से पार्ट्स और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर विच सर्टन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन डन टू ब्रिंग देम टू अ लेवल दैट इज इक्वल टू यू कुड से जनरली जो बाकी के लोग एंजॉय कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। ऐसी कैटेगरीज को SEBC बोलते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC कैटेगरी के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है, बट दैट डज नॉट हार्म आर्टिकल 14। इट इज इनफैक्ट टू रीच टू आर्टिकल 14, है ना, एक तरह से उसको इक्वालिटी की तरफ मूव करने के लिए दिया गया है। नाउ 17 और 18 को एक साथ करेंगे। 17 और 18 क्या बोलते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अनटचेबिलिटी इंडिया में पहले बहुत था, अभी भी है काफी हद तक, बट पहले बहुत ज्यादा था। यू मस्ट नो अबाउट इंडिया का वर्णा सिस्टम जो था, कि भाई ब्राह्मण्स आर एट द टॉप ऑफ द फनल, शूद्र लाइक फोर्थ फनल में, वो एकदम सबसे नीचे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो वर्णा सिस्टम वाज वेरी कास्ट डिस्क्रिमिनेटिव, है ना, डिस्क्रिमिनेटेड एवरीबॉडी ऑन द फेस, यू कुड से इन द कम्युनिटीज दैट दे वर बॉर्न, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। यू कैन नॉट बी यू कुड से कैटेगराइज ऑन द फैमिली और इन द कास्ट यू आर बॉर्न, यू हैव टू बी कैटेगराइज ऑन द काइंड ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ नॉलेज यू अक्वायर, ओके। तो अनटचेबिलिटी ऑफ एनी काइंड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता इंडिया में। ओके, पब्लिक में सिर्फ वो चीज आती है जो गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी मेंटेन कर रही है। आपके जैसे RWA के पार्क होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या RWA किसी अथॉरिटी के अंडर आता है। इफ येस देन इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी, इट्स अ स्टेट, अदरवाइज इट्स नॉट। फिर ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है पहले हमारे इंडिया में किंग्स हुआ करते थे, है ना, किंग कोई अब किंग लगा रहा है, कोई अपने नाम के आगे महाराजा लगा रहा है ना, अलग अलग यू कुड से उनको टाइटल्स मिला करते थे। अब वो सब अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिया में कुछ एकेडमिक टाइटल्स अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, एडवोकेट, ये सब लगा सकते हो आप। सर्टेन टाइटल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर कैन बी कॉल्ड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। या फिर कोई मिलिट्री टाइटल्स होते हैं, जैसे इफ यू टॉक अबाउट से परमवीर चक्र, है ना, तो अगर वो सब आपको मिले तो आप लगा सकते हो। बट आप अपने नाम के आगे, जैसे मान लो आपको ब्रिटेन ने नाइटहुड दिया है, तो वहां पर उन्हें सर हो जाता है उनके नाम के आगे, राइट। तो आप अपने नाम के आगे वो टाइटल नहीं लगा सकते, राइट। यू कांट यूज किंग इन फ्रंट ऑफ योर नेम, यू कांट यूज महाराजा इन फ्रंट ऑफ योर नेम, इवन इफ यू बिलोंग टू दोज फैमिलीज। तो देर इज कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। एकेडमिक टाइटल्स, अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिले तो वो टाइटल लगा सकते हो। यू कांट यूज रैंडम टाइटल्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम अदरवाइज। तो 14 टू 18 कैसे याद करना है, 14 इज द फर्स्ट आर्टिकल वेयर द फंडामेंटल राइट एक्चुअली स्टार्ट्स, जो फंडामेंटल राइट की एक्चुअली बात करते हैं। वैसे 12 से स्टार्ट होते हैं पार्ट 3, लेकिन 14 से एक्चुअली फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्टली इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज आर्टिकल 14। 15, 16 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, एक पब्लिक प्लेसेस, एक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 17, 18 कुछ कुछ चीजों के अबॉलिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, एक टाइटल की बात करते हैं, कि इन दोनों को अबॉलिश करना है हमको पूरी तरह से। तो ये 14 टू 18 है, वेरी सिंपल। इसका डिटेल डिस्कशन मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में कर रखा है, जो आप मेरी क्लासेस में जाकर डेफिनेटली देख सकते हो, उनके रिकॉर्डिंग्स अभी रिसेंटली हमने खत्म कराया वो। नाउ कम्स आर्टिकल 19 टू 22, ये सबसे बड़ा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब अगर आप इसका जो इसको अलग अलग कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इसको जो एक्सटेंड किया है ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आर्टिकल 19 पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट 6 फ्रीडम्स, ठीक है, 6 फ्रीडम्स की बात करता है ये। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री की बात करता है,
है ना, फ्री ट्रेड प्रोफेशन की बात करता है, ठीक है, राइट टू बाय प्रॉपर्टी वो पहले था, वो भी आप कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ यू कुड से रीजनेबल, सॉरी, इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ फ्रीडम दैट अ पर्सन कैन एंजॉय इन अ कंट्री, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, आप एसोसिएशन बना सकते हो अपनी, तो ऐसे छह फ्रीडम्स की बात करता है पर्टिकुलर आर्टिकल, और छह फ्रीडम्स ऑल ऑफ देम कम विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप उस लिमिट तक नहीं ले जा सकते कि आप किसी को डिफेम कर दो, आप कंट्री का अगेंस्ट सेडिशन कर दो, है ना, यू कैन टेक इट टू अ लेवल, सो दोज आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। हाँ, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स इज अनदर पॉइंट, ठीक है, राइट टू असेंबली इज अनदर पॉइंट। तो काफी सारी चीजें हैं जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ यहां पर आती है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बट ये आर्टिकल खासकर इमरजेंसी जब होती है तो इमरजेंसी के टाइम पर इसको उठा लिया जाता है, ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड और एट दैट टाइम, ठीक है। क्रैश कोर्स वाले बैच में यार आई विल ओनली बी टेकिंग दिस थिंग एलेट का करंट अफेयर एंड स्टैटिक, है ना, आई एम ओनली कंसर्न विद दैट, बिकॉज क्लैट के लिए ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखो, दैट शुड बी एबल टू, यू विल बी एबल टू डू योर कोर्स थोड़ा फास्ट ऑल्सो विद दैट। फिर आर्टिकल 20 तीन चीजों के बारे में बात करता है। पहली चीज है डबल जोपार्डी, डबल जोपार्डी मतलब नोबडी कैन बी यू कुड से पनिश्ड फॉर वन ऑफेंस ट्वाइस, कोई भी एक ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक बार चोरी करी और मेरे को दो बार सजा दे दी उसके लिए, ठीक है, अगर मैं दो बार चोरी करूंगा तो ये उसके लिए दो बार सजा मिलेगी, बट एक ऑफेंस के लिए अ पर्सन कैन बी पनिश्ड ओनली वंस, ठीक है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जोपार्डी। उसके बाद आता है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है कि इफ अ लॉ हैज बीन पास्ड टुडे इट कैन ओनली बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे एंड नॉट येस्टरडे और एनी अदर डे बिफोर टुडे। अगर कोई लॉ आज 20 सितंबर को पास हो रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई वही पर्टिकुलर ऑफेंस अगर 18th को किया था और उस टाइम पर कोई लॉ ही नहीं थी, तो मेरे को आप 18th के ऑफेंस के लिए भी पकड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तो रफली बता रहा हूँ, मान लो थेफ्ट का हमारे पास कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, रफली स्पीकिंग कि थेफ्ट का मान लो कोई ऑफेंस नहीं है, अब 20 सितंबर से सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हुएवर टेक्स एनी प्रॉपर्टी आउट ऑफ अ पोजिशन ऑफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली विल बी यू कुड से चार्ज ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को ऐसे वो ले जाएगा तो, लेकिन अब वो 20 तारीख से आया है ना, तो 18 तारीख वाली चोरी चोरी नहीं मानी जाएगी। सो ऑल दी लॉज हैव टू बी प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, एक्सपोस्ट फैक्टो को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता है। ऑल्सो यू कैन नॉट बी चार्ज फॉर मोर यू कुड से टाइम देन इज गिवन इन दी लॉ। अगर लॉ में दे रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको 10 साल की सजा मिलेगी, तो आपको कोई भी उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर आपको कोई डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, ठीक है, यू कांट बी गिवन अ पनिशमेंट दैट इज मोर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस। अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है कि कंपेलिंग यू टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ। मेरे को पुलिस पकड़ कर ले गई, अब वो मेरे को जबरदस्ती कर रही है कि अपने खिलाफ गवाही दो, मेरे को नहीं देनी है अपने खिलाफ गवाही, है ना, आई डोंट वॉन्ट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट माई सेल्फ, दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैंने आपको बताया था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, दैट पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन, ठीक है, पुलिस के सामने दी गई गवाही वैलिड नहीं होती है, इट इज ओनली इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट दैट योर गवाही विल बी कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है, तो नोबडी कैन कंपेल यू कि आपको ये गवाही देनी ही पड़ेगी। तो ये तीन मेजर प्रोटेक्शन है जो आपको दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 20, डबल जोपार्डी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ और एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ विच आर नॉट एप्लीकेबल एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन। तो ये तीनों चीजें प्रोटेक्शन है। फिर आर्टिकल 21 इज दी सबसे बड़ा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें काफी सारी चीजें आती है, राइट टू प्राइवेसी आता है ना, एक लिस्ट लॉन्ग लिस्ट है जो राइट टू लाइफ के अंडर आती है, और इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी इन द कंट्री, चाहे कोई फॉरेनर भी इंडिया में आएगा ना, उस पर भी आर्टिकल 21 एप्लीकेबल होता है ना। जैसे कई सारे कोर्ट ने ये मिट के डिसीजंस में ये बोला है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आई एम मेयरली एग्जिस्टिंग लाइक एन एनिमल, इट इज नॉट मेयर एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस, इट मीन्स गेटिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट, रोटी कपड़ा मकान उतना आप सब लोग डिजर्व करते हो, वो बेयर मिनिमम सबको मिलना चाहिए। ओके,
फिर एक आता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट्स। अगर प्रोटेक्शन, अच्छा एक मिनट, 21 के बारे में और बता देता हूँ। इसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ था 2002 में बाय द वर्च्यू ऑफ द 86th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन कि एवरीबडी हु इज इन द एज ऑफ 6 to 14 इन द कंट्री विल हैव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री का मतलब है सरकारी स्कूलों में आप फ्री में पढ़ सकते हो, कंपलसरी का मतलब है कि पेरेंट्स को आपको एजुकेशन के लिए भेजना ही पड़ेगा। इफ दे डू नॉट सेंड यू फॉर एजुकेशन दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस, राइट। फिर कम्स आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। अब इसमें क्या क्या होता है बताओ, अरेस्ट में क्या क्या होता है, यू टेल मी। देर आर 3 पॉइंट्स अगेन, यू टेल मी एंड आई विल राइट। व्हाट शुड आई राइट इन द फर्स्ट पॉइंट, अरेस्ट में आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। एनीबडी, सो द प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू अस इन केस ऑफ अरेस्ट इज बेसिकली इफ आई एम अरेस्टेड विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आई हैव टू बी यू कुड से प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। देखो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट एंड आई हैव टू यू कुड से नो आई शुड बी अलाउड टू कॉल माई लॉयर। ठीक है, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मेरे को बताना पड़ेगा। तो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी एज टू वाई यू अरेस्टिंग मी, यू कांट अरेस्ट मी एंड आई हैव अ राइट टू कंसल्ट माई लॉयर। ठीक है, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, मेरे को रीजन फॉर अरेस्ट बताना पड़ेगा, मैं लॉयर से कंसल्ट कर सकता हूँ। और क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्सेप्शन है इसमें कि अगर मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जो मतलब विच इज प्रोबेबली हार्मफुल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो उसको आप बिना प्रोड्यूस किए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो काफी टाइम तक, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो उस इंसान के साथ, है ना। दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, वारंट नीडेड या नॉट नीडेड दैट इज अ क्रिमिनल लॉ इशू। ठीक है, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉट कॉग्निजेबल, वो अलग है। दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू, दैट इज नॉट एन आर्टिकल 22 इशू। आर्टिकल 22 गिव्स यू सर्टेन प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। व्हाट आर दोज प्रोटेक्शन, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी अरेस्ट में प्लस वॉट एवर द ट्रेवल टाइम, अगर आपको कहीं और से अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप अरेस्ट हुए हो, क्यों हुए हो, एंड यू विल हैव टू दे विल हैव टू गिव यू द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। आपको अपने लॉयर को बुलाने का चांस देना पड़ेगा। वी ऑल हैव हर्ड इन द मूवीज, राइट, आई वॉन्ट टू कॉल माई लॉयर, जब भी पुलिस पकड़ लेती है किसी को, यही वो राइट है। ठीक है, वॉरंट दो टाइप के होते हैं, ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आपको वारंट चाहिए होता है। वारंट इज एन अरेस्ट वारंट एंड अ सर्च वारंट। अरेस्ट वारंट में आप इंसान को अरेस्ट कर सकते हो, सर्च वारंट में किसी के घर पर सर्च कर सकते हो, मतलब एक तलाशी ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप के वारंट्स होते हैं। नाउ आर्टिकल 23 और 24 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अ वेरी यूनिक फीचर अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। जनरली अगर आप देखोगे ऑल द आर्टिकल्स आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट स्टेट स्टेट अथॉरिटीज, राइट। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। नाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 23। एनी काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर कमर्शियल पर्पजेस। तो हम देखते हैं विमेन चिल्ड्रन इन इंडिया ऑन लार्ज स्केल आर ट्रैफिक्ड। ठीक है, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में, राइट। पुलिस अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वैलिड होता है, नहीं वो वैलिड नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने डिस्कस किया था कि वो वैलिड नहीं होता। एनी काइंड ऑफ टेस्टिमनी गिवन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस इज नॉट वैलिड।
ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल 23 है ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी चलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑफेंस। बेगार का मतलब होता है किसी से काम करा लेना और उसको पैसे ना देना, फ्री में काम करा लेना या फिर बहुत कम पैसे देना, दैट इज कॉल्ड बेगार। इट इज नॉट बेगर, ठीक है। बेगर इज भिखारी, इट इज बेगार, ठीक है। किसी से काम करा के उसको पैसे ना देना या बहुत कम पैसे देना, सो दैट इज बेगार। देर आर सर्टन लॉज इन इंडिया टू यू कुड से प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, देर आर सर्टन लॉज इन इंडिया टू प्रोहिबिट बेगार ऑल्सो, बट इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट भी फॉर्म करता है। देन आर्टिकल 24 विल डिस्कस अबाउट चाइल्ड लेबर। इट डिस्कसेस अबाउट चाइल्ड लेबर। ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री इज बैंड। पहले ऐसे होता था कि 14 साल से छोटे बच्चे, 14 ईयर से छोटे बच्चे कैन नॉट एंटर इन टू हजार्डस, ठीक है, कैन नॉट एंटर इन टू हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। और अब क्या हो गया, जो नया लॉ है उसमें ऐसे है कि 16 से छोटे बच्चे, सॉरी 14 से छोटे बच्चे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एट ऑल, ठीक है। उनको आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे बच्चे ढाबों पर काम करते हुए, दुकानों पर काम करते हुए मिलेंगे जो 14 साल से छोटे हैं। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट, दैट इज अ वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल 24, राइट। क्योंकि अब क्या होता है ना, अगर 6 से 14 तक के बच्चों को आपने दुकानों में काम करना अलाउ कर दिया, विच इज से नॉट हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, तो वो पढ़ेंगे कब, है ना। दे विल ओनली गो फॉर वर्क, दे विल नॉट स्टडी। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन हो गए थे। दैट इज वाई जो नया लॉ आया था इंडिया में, उसने 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम करने से बंद कर दिया है। और जो 14 से 18 तक के जो एडोलेसेंट्स हैं, ठीक है, उनको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करना अलाउड नहीं है। तो 14 से 18 तक के बच्चे कैन बी एम्प्लॉयड इन अ ढाबा और अ दुकान, दे कैन बी एम्प्लॉयड इन अ ढाबा और अ दुकान, बट दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बाय से अ क्रैकर्स फैक्ट्री, है ना, और यू कुड से एनी बैंगल फैक्ट्री, उन सब चीजों में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स। तो 14 से 18 वालों को आप हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, 14 से छोटे वालों को आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। दैट वुड बी यू कुड से कमिंग अंडर दी कैटेगरी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड विल बी हिट बाय सर्टेन लॉज, जो स्पेसिफिक लॉज है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए, एज वेल एज आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी ऑल नो दैट इट दिस आर्टिकल इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, नॉट जस्ट द स्टेट अथॉरिटीज बट ऑल्सो अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। सो दिस इज 23-24। अभी तक हमने तीन राइट्स कर लिए, 14-18 राइट टू इक्वालिटी, 19-22 विच इज राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज 23-24। तीन और फटाफट करेंगे, मैं एंड में आपसे कुछ भी पूछूंगा, ठीक है। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है राइट टू रिलीजन। अब इंडिया में हमको ये पता है, ऑल दो हिंदुइज्म इज यू कुड से द वाइडेस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया, बट इट इज नॉट अ स्टेट रिलीजन। वाई? बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, सो इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन, है ना। जो हमारा मेजोरिटी मेजोरिटी रिलीजन है, दैट इज नॉट अ स्टेट रिलीजन। वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, वी अलाउ ऑल द रिलीजन। तो आर्टिकल 25 वो राइट देता है आपको, दैट योर फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। आप प्रैक्टिस प्रोपगेट प्रोफेस किसी भी तरह से आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। यू कैन इनफैक्ट डू सर्टेन रैलीज, जो मेरा मन करे आपका कर सकते हो, बट देर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू दैट। तो जैसे मान लो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ, ये तीन मेजर यू कुड से वो है। जैसे अब क्या होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एसेंशियल प्रैक्टिस इन अ रिलीजन। अभी हिजाब वाला केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रहा है ना। हिजाब वाला केस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन सुप्रीम कोर्ट कि क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2018 2017 18 में ट्रिपल तलाक वॉज बैंड, ठीक है। ट्रिपल तलाक वॉज बैंड इन यू कुड से वेरियस कोर्ट्स। ट्रिपल तलाक को बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। वाई? बिकॉज ट्रिपल तलाक क्या था, इट वॉज अ डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस वेर इन अ हस्बैंड कुड से तलाक 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 टू हिज वाइफ एंड तलाक हो जाता था। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वुमेन के राइट्स के अगेंस्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन, जबकि कुछ कुछ चीजों को एसेंशियल प्रैक्टिस बोला है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू रिलीजन में आइडल वर्शिप इज एसेंशियल प्रैक्टिस। हम लोग कोई भी मंदिर में जाते हैं, वी वर्शिप सम आइडल, राइट। कोई मूर्ति को कोई हाथ जोड़ते हैं ना,
इन इस्लाम रीडिंग और यू कुड से चैंटिंग नमाज 5 times a day इज अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है अगर वो 5 times a day आप कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजें ऐसी जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, राइट? देन आर्टिकल 26 ऑल्सो कम्स अंडर दिस, ये बोलता है राइट टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स कि आप कैसे रिलीजन के नाम पर यू कैन बाय प्रॉपर्टी फॉर अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फॉर अ रिलीजियस ट्रस्ट, ठीक है, आप उसके नाम पर काफी ज्यादा डीलिंग्स कर सकते हो, है ना, रिलीजन, अपने रिलीजियस अफेयर्स मेंटेन करने के लिए यू कैन हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, आप अपने रिलीजन के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर रिपोर्ट से आप जैसे धर्मशाला जिसको हम बोलते हैं उस टाइप की चीजें बनवा सकते हो, है ना, दैट कैन बी डन बाय पीपल। सो आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो एंड दिस राइट काइंड ऑफ इंश्योर्स इट, इसको इंश्योर करता है। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पसेस, देखिए टॉक्स अबाउट टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पसेस, सरकार कभी भी किसी एक रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती सारे लोगों पर, जैसे नमाज पढ़ना इज अ फंडामेंटल राइट, नमाज पढ़ना इज यू कुड से नमाज पढ़ना इज इक्विवेलेंट टू यू कुड से मंदिर जाना फॉर हिंदू, चर्च जाना फॉर क्रिश्चियंस, तो सबका अपना अपना वो है। यहां पर टैक्सेस नहीं लगा सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की, जैसे मैं आपको एक बहुत ही रफ एग्जाम्पल देता हूं फिर से, उत्तराखंड में देर आर लॉट ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज साइट, ठीक है, उत्तराखंड के वो 4 धाम भी है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सो दीज आर लाइक वेरी फेमस हिंदू श्राइन्स, इफ यू टॉक अबाउट ऋषिकेश, हरिद्वार, कुछ ऐसी जगह है वहां पर जहां पर बहुत फेमस हिंदू यू कुड से मान्यता की चीजें हैं, गंगा वगैरह है वहां पे, बट अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा टैक्स लगाती है विच इज यू कुड से फॉर प्रोपोगेटिंग हिंदू टूरिज्म इन दी पर्टिकुलर स्टेट, और वो टैक्स सब लोगों पर लगा दिया गया, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27, ऐसा कोई टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है, वो आर्टिकल 27 का वायलेशन कहलाएगा। ओके, और आर्टिकल 28 बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे किसी भी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आप कभी भी देखना कोई भी सरकारी स्कूल में, कोई भी सरकारी कॉलेज में, आपको कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि या तो आप बनाओगे तो यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग, या फिर आप कुछ एक मंदिर नहीं बना सकते कि जस्ट बिकॉज वी मेजोरिटी ऑफ आर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर हिंदूज तो हम मंदिर बनाएंगे सिर्फ, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राइट टू रिलीजन को आपको सर्व करना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सो यू कांट हैव एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में भी नहीं पढ़ा सकते कि मतलब हम सिर्फ ये रिलीजन के बारे में पढ़ाएंगे कि वी विल ओनली टीच यू अबाउट हिंदुइज्म हियर, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 28 इंश्योर्स दैट कि देर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, प्लस देर कैन नॉट बी एनी टेम्पल और एनीथिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज मैनेज और यू कुड से रन बाय स्टेट अथॉरिटीज, अगेन राइट टू रिलीजन इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अगेन दी स्टेट अथॉरिटीज, राइट? आज अगर मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है एंड आई ओनली वॉन्ट फॉर एग्जाम्पल से क्रिश्चियंस टू ईट इन माई रेस्टोरेंट, आई कैन डू दैट, वाई? बिकॉज इट्स अ प्राइवेट रेस्टोरेंट, इट इज माई विश कि मेरे को किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है, बट अगर कोई स्टेट का ऐसा कुछ है देन यू कैन डू दैट, मान लो कोई स्टेट की स्कीम है जहां पर आपको 5 रुपए में खाना मिलता है, वहां पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि हम सिर्फ हिंदूज को खिलाएंगे, मुस्लिम्स को नहीं खिलाएंगे, सिर्फ क्रिश्चियंस को खिलाएंगे, हिंदूज को नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए है, बिकॉज जो काफी लोग आप में से कॉन्वेंट स्कूल में गए होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि आपकी सारी प्रेयर्स यू कुड से आर इंग्लिश प्रेयर्स, है ना, जो चर्च वाली प्रेयर्स होती है वहां पर अंदर एक चर्च भी होता है, तो वो दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, राइट, दे कैन नॉट बी ब्रॉड अंडर दिस परव्यू। देन कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, ये एक तरह से 29 ना माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनका कल्चर, तो इंडिया में ना इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो ऑब्वियसली वी टेक प्राइड इन आर डाइवर्सिटी कि हम इतनी डाइवर्स कंट्री है, बट उसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस डाइवर्सिटी, राइट? आई एम वेरी डाइवर्स, मेरा मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात से हूँ, राजस्थान से हूँ, दिल्ली से हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हूं, मैं साउथ इंडिया से हूं, हर जगह अलग अलग कल्चर है,
है ना, एवरी स्टेट, एवरी 100 to 200 किलोमीटर्स इन इंडिया द कल्चर चेंजेस, ठीक है, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, बट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दोज कल्चर्स, राइट? तो जो माइनॉरिटीज के जो कल्चर्स है ना, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, चाहे उस लैंग्वेज को 50 लोग ही बोलते हैं, दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट इट, उनके अपनी स्क्रिप्ट, उनके अपने कल्चर को बोलो प्रोटेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है, दे हैव फुल राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर. ओके, वॉट अबाउट रामायण टॉट इन स्कूल और महाभारत? यार सो हियर द थिंग इज कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आपको कुछ एपिक्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये नहीं बोल सकते कि फिर राम इज द सुप्रीम, वो आपको फैक्ट्स बता सकते हैं रामायण के, वो आपको कुरान के फैक्ट बता सकते हैं, वो आपको बाइबल के फैक्ट बता सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि दिस इज द बेस्ट रिलीजन, आप यहां पर दिस इज द रिलीजन दैट एवरीबडी शुड फॉलो, ऑल ऑफ दैट इज द रॉन्ग वे, है ना, ऐसा नहीं है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते तो आपको कुछ बताएंगे ही नहीं उसके बारे में, वो तो एक मतलब नॉलेज ना इम्पार्ट करने वाली बात हो गई, राइट? आर्टिकल 30 बात करता है कि माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, तो आप पर्टिकुलरली मदरसा एज अ क्लासिक एग्जाम्पल, है ना, मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया, एनी रिलीजन अदर देन हिंदू इज अ माइनॉरिटी इन इंडिया, तो मदरसास होते हैं बहुत सारे जहां पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं, है ना, दे आर गिवन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आल्सो देयर, ठीक है, तो माइनॉरिटीज के पास राइट होता है टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मदरसा, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, नाउ लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट आर्टिकल, देन आई विल सेट यू गाइस फ्री. आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, एक तरह से जो फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए ये बात बोली थी कि आपके पास ना कोई भी राइट हो, ठीक है, आपके पास कोई भी राइट हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू लाइफ हो, राइट टू रिलीजन हो, कुछ भी राइट हो आपके पास, कॉन्स्टिट्यू ये एजुकेशन कल्चरल राइट्स हो, इसको आप, ठीक है, इसको आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है, इसको आप कभी भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाओगे अगर उस राइट को वायलेशन के टाइम पर कोर्ट में जाने की आपको पावर दी गई, है ना, मैं 5 राइट्स को कैसे अपने एंजॉय कर पाऊंगा अगर मेरे पास उस राइट्स के लिए रेमेडी है, अगर वो वायलेशन होता है उस राइट का, सो आई हैव अ रेमेडी. क्या रेमेडी है? कि मैं कोर्ट जाकर केस कर सकता हूं. इफ समबडी वायलेट्स माय फंडामेंटल राइट, आई कैन ऑलवेज मूव टू अ कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. उसके लिए आर्टिकल 32 दे रखा है. दैट इज वाई बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ऑल दी 5 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दी 5 फंडामेंटल राइट्स विल हैव नो मीनिंग अनलेस दी 6th राइट विच इज आर्टिकल 32 प्रिवेल्स. तो आर्टिकल 32 के अंडर 5 टाइप की रिट कर सकते हो आप, 5 टाइप की रिट कर सकते हो. मैं आपको अभी फिर से डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आई विल ओनली एक्सप्लेन इट ऊपर ऊपर से, ठीक है. फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस. अगर आपको इसके लिए पढ़ना है, मैं आपको इसी क्लास के जस्ट बाद एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, आई विल शेयर अ वीडियो जहां पर आपको 5ों रिट्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है. फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, इसमें राइट टू हैव अ बॉडी, है ना, बेसिकली अगर किसी को इलीगली डिटेन किया है तो आप ये कर सकते हो. मैंडमस इज टू कमांड, है ना, कमांड का मतलब होता है कि भाई आप किसी अथॉरिटी को कमांड कर रहे हो. को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप कोई पब्लिक ऑफिस अगर गलत तरह से आपके पास है अगर. और प्रोहिबिशन और सर्चोरिटी थोड़ा सा डिफरेंट है. ये क्या होता है? इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू जनरली एन इंफीरियर कोर्ट, और यू कुड से कोर्ट ऑफ द राइज ज्यूरिसडिक्शन टू द कोर्ट ऑफ द लेसर ज्यूरिसडिक्शन. तो ये आपको 5 रिट्स हैं कि अगर कोई भी मान लो गलत कोर्ट भी कुछ गलत कर रहा है आपके अगेंस्ट, या फिर मान लो आप आपके किसी इंसान को गलत तरह से पकड़ लिया गया है, कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कोई पब्लिक अथॉरिटी इलीगली एक ऑफिस में आकर बैठ गया है कोई इंसान, उन सब का आपके पास राइट्स है, ठीक है, उस सब एक्टिविटीज के अगेंस्ट आपके पास अपना राइट है, विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो वी आर डन विथ ऑल दी 6 राइट्स. मेरे को अब शायद लग रहा है कि थोड़ा सा बेसिक पता चल गया होगा. आई विल क्विकली टेक यू थ्रू देम, ठीक है. 14 to 18 इज राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 इज राइट टू फ्रीडम, 23-24 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 25-28 इज राइट टू रिलीजन,
29, 30 एजुकेशनल कल्चरल राइट्स एंड 32 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। 32 का एक और भाई है आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 बोलते हैं कि आप हाई कोर्ट में रिट्स कर सकते हो, 32 बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट्स कर सकते हो। सो दैट इज इट अबाउट माई अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप इट वॉज यूजफुल। इट वॉज अ वेरी क्विक समरी ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। इफ यू वॉन्ट टू डू इट प्रॉपरली कि इनमें क्या दे रखा है, क्या एग्जैक्टली इसका मतलब होता है, यू कैन कम टू माई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोर्स। ठीक है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड इट। यू विल बी क्विकली बी एबल टू वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग। इट्स बेयरली 12 to 13 क्लासेस। तो आप बहुत फटाफट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कर लोगे उसमें जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट यू कैन कम टू द क्लास। यू कैन ऑब्वियसली टेक अ सब्सक्रिप्शन है ना, एंड 10% ऑफ आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड केशव लाइव। राइट, हाँ क्विज के चलो क्वेश्चंस पूछ लेता हूं मैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल? तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14, 19, 21। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 14, 19, 21। दोज आर द गोल्डन ट्रायंगल, द मोस्ट यूज्ड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन वॉज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन वॉज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सबसे रिसेंट एडिशन कौन सा है? Which of the following is the latest edition? तो यहां पर वेरी क्लियरली आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A विच टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज अ लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, 2002 में ही आया ये। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। मैं आपसे वापस 5 बजे मिलता हूं है ना, वेर वील डिस्कस मोर करेंट अफेयर्स, वील डू मोर मोर क्विज क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। सी यू गाइज, बाय।